देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं धनंजय कुमार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाके जनसंपर्क अभियान चला रहा है। ऐसे में हम जमुई जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी सोनौ प्रखंड के एक आदिवासी गांव में हैं, और इस गांव में क्या कुछ विकास हुआ, किस मुद्दे को लेकर यहाँ के लोग मतदान करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धन वर्मा। किस मुद्दे को लेकर वोट कीजिएगा? लालटेन छाप को देंगे। मतलब क्यों लालटेन छाप को वोट दीजिएगा? अपना सोचते हैं उसी को देंगे। चिराग पासवान कभी आया यहाँ? वो 10 साल सांसद रहे, कभी इस गांव में आया? नहीं देखे हैं। अच्छा, उसका बहनोई लड़ रहा है, डॉक्टर अरुण भारती, और एनडीए प्रत्याशी है और महागठबंधन के प्रत्याशी अर्चना रविदास है। तो ऐसे में किसको मतदान कीजिएगा? दामाद या बेटी? बेटी। बेटी को किसको मतदान कीजिएगा, दामाद या बेटी? सभी लोग इसी पर। किस पर दीजिएगा? बेटी पर आने दीजिए। बेटी पर? हाँ। मतदान बेटी को क्यों दीजिएगा? मतदान दीजिएगा बेटी को, बेटी को अपना है। अच्छा, यहाँ विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ है? आप लोग देखने वाले हैं, घूमने वाले हैं, आप लोग खुद देखते हैं कितना रोड गाली, कितना कहाँ क्या खराब है, नहीं है वो तो अपने आते जाते हैं तब लोग देखते कि नहीं। तो इसी प्रकार से देखिए, हम लोग भी रोड बनना चाहिए यार, बढ़िया रहना चाहिए। अच्छा, अस्पताल है यहाँ चिकित्सा के लिए? नहीं है, अस्पताल नहीं है। नहीं है? नहीं। आप लोग जब बीमार गिर जाते हैं कैसे जाते हैं, कहाँ इलाज करवाते हैं? वही ज़्यादा सड़क नहीं है, हम लोग कचरा में गली गुराज में नल नहीं बनता है। अच्छा, इस बार दामाद को वोट कीजिएगा कि बेटी को? ना, हम बेटी के देंगे। बेटी को? बेटी को देंगे। बेटी को क्यों दीजिएगा वोट? देंगे उसके लालटेन छाप में। लालटेन छाप क्यों दीजिएगा लालटेन छाप को वोट? तो है, विकास नहीं दे रहा है तो हम लोग उसी लिए हम विकास नहीं हुआ इसलिए इस बार लालटेन को वोट दीजिएगा, तब विकास होगा। होगा तो हम लोग आवेगा तो हम लोग देखेंगे। ऐसे में और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात हमारे साथ और कुछ लोग आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट कीजिएगा? हम लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि विकास होना चाहिए, वरना हर गांव गांव गली गली में जैसे कि होना चाहिए। हम लोग गरीब एरिया में वहाँ कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। विकास तो आता है लेकिन सब उधरे खत्म हो जाता है, उधरे खत्म होता है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में बेटी और दामाद की लड़ाई है, तो ऐसे में किसको मतदान कीजिएगा, बेटी या दामाद? जैसे मैंने बेटा को तो मैंने चुनाव जिताते जिताते तो हम लोग तो आज तक मैंने कुछ हो नहीं पाया, तो इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग बेटी को जिताएंगे। बेटी, क्या नाम है आपका? राशि हेम्ब्रम। ये कौन सा गाँव है? पनारी। पनारी है। और हम कुछ महिला से जुड़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि वो महिला क्या कुछ बोल पाती है या नहीं बोल पाती है। मतदान कीजिएगा। हम लोग तो आरजेडी के करेंगे सपोर्ट। बेटी या दामाद? अब देखिए, एगो एगो दामाद लड़ रहे हैं चुनाव, एगो बेटी चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की बहनोई हैं डॉक्टर अरुण भारती, वो दामाद हैं, और अर्चना रविदास बेटी है जम्मू का। तो ऐसे में किसको मतदान कीजिएगा? हम लोग तो अर्चना रविदास की करेंगे सपोर्ट। अर्चना रविदास क्यों कीजिएगा? क्यों, नौजवान है और पहली बार वो खड़ा हो चुके हैं तो उनको तो सपोर्ट करना फर्ज बनता है ना। आपको वोट कीजिएगा बेटी या दामाद? हम तो वही कहना चाहते हैं, वही लालटेन छाप। लालटेन छाप बेटी को। देखिए, ये आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ कभी कोई नेता पहुँचे नहीं हैं, और ये इन लोगों का कहना है कि 10 साल तक जो विकास होनी थी हमारे गांव में वो हुआ नहीं। ऐसे में अब हम जो हैं इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, और परिवर्तन के रूप में हो सकता है हमारे गांव में विकास हो। लोगों का यहाँ तक मानना है कि यहाँ सड़क भी बढ़िया नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और हम लोगों को इस गर्मी में पानी पीने की काफ़ी तकलीफ होती है। कैमरा पर्सन के साथ धनंजय कुमार, दर्श न्यूज, जमुई।